अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एडीपी क्लास। आपको पता है मैं आपको एवरीडे साइंस पढ़ाती हूँ। आज जो टॉपिक एवरीडे साइंस का मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा सा टेक्निकल सा है। टेक्निकल इस सेंस में कह रही हूँ कि उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों इन्वॉल्व्ड है। आपको पता है ना मैट्रिक में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री, और अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो कुछ ना कुछ आइडिया केमिस्ट्री का और फिजिक्स का होगा। बहरहाल मैं ट्राई करती हूँ आपको बेस थोड़ी सी बताऊँ, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा आपको ये तो पता होगा, दो तीन चीजें मैं आपको बताती हूँ। एक होता है मैटर, आपको पता है मैटर किसकी कितनी टाइप्स हैं, ये तो आप लोग को पता होगा। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड्स भी आपने देखे हैं, लिक्विड वाटर जूसेस ये भी आपको पता होगा, और गैस भी जो हवा में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ सॉलिड्स की टाइप्स जो हैं, वैसे तो सॉलिड और तरह के होते हैं, जैसे कुछ होते हैं क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड होते हैं शाइनिंग वाले, डायमंड जैसे होता है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और कुछ होते हैं इमोर्फस टाइप सॉलिड्स होते हैं जिनकी कोई शक्ल नहीं होते, ऐसे आप उसकी मिसाल ले लो कोयला टाइप, क्रस्ट या चारकोल टाइप, ठीक है, जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। डायमंड की तो एक शेप होती है ना, जिसकी शेप होती है, इन आसान वर्ड्स में मैं ये बता दूं कि सॉलिड्स एक होते हैं उस तरह के जिसकी पर्टिकुलर शेप होती है, एक नहीं होते। लेकिन यहाँ जो सॉलिड्स पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स किसकी बेस पे पढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी। अब क्वेश्चन क्या है कि पहले तो मैं आपको बताऊंगी कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। कंडक्टिविटी आपको पता है आपके घरों में कॉपर वायर्स होती हैं, ठीक है, कॉपर वायर्स होती हैं जिसमें से करंट फ्लो करता है, और आपके सारे अप्लायंसेस उस करंट से, ठीक है, चलते हैं। तो करंट किसे बेसिकली कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, केमिस्ट्री की टर्म में, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ये जो वायर्स होती हैं हमारे घरों में, आप स्विचेस लगाते हो और ये तो करंट फ्लो करता है, और जिसकी वजह से आपके अप्लायंसेस यानी जो आपकी सारी मशीन्स वगैरह चलती हैं, ठीक है। तो करंट किसे बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दो चार बातें समझने की हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, आपको पता है ना एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जिसको हम कहते हैं ये उनका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और मास नंबर किसे कहते हैं, जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, दोनों को जमा करें तो उसका एटॉमिक मास होता है। बहरहाल एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, कई दफा आपने देखा होगा। सो वही इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं, अलाइंड होते हैं, अलाइंड का मतलब समझ रहे हैं, लाइन में आते हैं, एक फ्लो में आते हैं, तो हम कहते हैं जी करंट चल रहा है, आसान जबान में, ठीक है। तो कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है, इस फ्लो ऑफ करंट को, और फ्लो ऑफ करंट बेसिकली क्या है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कंडक्टिविटी हो रही है, कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गई कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी के मुताबिक हमारे पास, आपने पीरियोडिक टेबल कभी पढ़ा है, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है, उसके ग्रुप्स होते हैं और पीरियड होते हैं। ग्रुप जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, ऐसे होते हैं ना सेवंथ ग्रुप तक। फर्स्ट ग्रुप किसे कहते हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स उसमें रखते हैं जिसके आखिरी शेल में वो, अच्छा अब न्यूक्लियस के गिर्द अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक शेल है, दो शेल हैं, तीन शेल्स हैं, ठीक है, तो ये उसके शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, और शेल्स के अंदर एक सब शेल्स भी होते हैं जिन्हें ऑर्बिटल्स बोलते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए ऐसे कर लें, पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है तो अगर पहला है तो उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा
दूसरा है तो उसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन, अगर तीसरा है तो आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है। अच्छा चौथा ग्रुप है, कि ग्रुप में किससे मेरी मुराद क्या है कि ग्रुप में वो एलिमेंट्स पाया जाते हैं, वो एलिमेंट्स बेसिकली पीरियोडिक टेबल किसका बना होता है, एलिमेंट्स का। तो इन्हें फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस एलिमेंट के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल में वो एक है। इसे दूसरा ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में दो हैं। अगर तीसरा ग्रुप है तो आखिरी शेल में वो एलिमेंट पाए जाते हैं जिनके आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह चौथा शेल किसे कहते हैं, जिनके आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। चौथा किसे कहते हैं, जिसके आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा और पांच छह सात ग्रुप्स होते हैं ना, जितने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में वही उनका ग्रुप नंबर है, उससे हम बस अंदाजा कर लेते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, मटेरियल्स ऐसे होते हैं या सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें से बहुत इजीली करंट फ्लो करता है, बहुत आसानी के साथ करंट फ्लो करता है, जैसे कि हमारे पास तारे हैं, कॉपर वायर्स हैं, एल्यूमिनियम है, ठीक है, वो हम हमेशा हमारे घरों में कॉपर वायर्स ही होती हैं, इसलिए कि बहुत ज्यादा करंट जब हम उसे कहते हैं तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजी होता है, ज्यादा होता है तो करंट बहुत अच्छा आता है, तो हम कहते हैं ला, तो उसे कंडक्टर्स बोलते हैं जिनमें से इजीली करंट फ्लो करता है। कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इजीली फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जैसे कॉपर वायर्स हैं, एक सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स गुजर ही नहीं सकते, वो ऐसी चीजें हैं जिनमें से वो करंट पास नहीं होने देते, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, रबड़ है, उनमें से कोई करंट पास नहीं होता, ठीक है, वो मेटल नहीं है। मेटल किसे कहते हैं, शाइनिंग सरफेस वाले जो होते हैं ना, ये कॉपर सिल्वर सोने की, ये मैंने इन्हें मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इंसुलेटर्स जो है आपने देखा है, जो घरों में कुकर के साथ वो जो इंसुलेटर मटेरियल लगा होता है, जो हम पकड़ते हैं, वो प्लास्टिक का, वुड का, रबड़ का, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इनमें करंट वगैरह फ्लो नहीं करता, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अब आपका जो आज का टॉपिक है वो सेमी कंडक्टर्स है। सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जो दोनों के दरमियान लाए करते हैं, मीन्स ना तो वो इतने मटेरियल्स हैं, ना वो ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें से बहुत ज्यादा करंट कंडक्टर्स की तरह फ्लो करे, नहीं ऐसा नहीं है, ना ही वो बिल्कुल ऐसे हैं इंसुलेटर्स की तरह कि उसमें से बिल्कुल भी करंट पास ना हो, बल्कि वो क्या है, लाइज बिटवीन देम, जिनमें से थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है। अच्छा अब उसमें से करंट कैसे फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, टेम्परेचर पे, हीट पे डिपेंड करता है। अगर जीरो आप टेम्परेचर करते हो तो कोई करंट पास ही नहीं होता, उनमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होता, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते रहते हो फिर ये होता है कि वो थोड़ी बहुत कंडक्शन शो करे, थोड़ी बहुत फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करे, ठीक है। तो ये तो हैं टाइप्स, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स क्या है, जो ना तो पूरी तरह उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ना वो इंसुलेटर है कि उनमें से करंट पास ही ना हो सके, वो बिटवीन उन दोनों के दरमियान कुछ कुछ करंट उसमें पास होता है, वो भी उस वक्त पास होता है जब करंट आप जब आप उसको ज्यादा हीट देते हो, हीट देते हैं, जैसे हम हीट देते हैं, यानी थोड़ी सी हीट दी, पहले वो जीरो पे थी, फिर थोड़ी सी हीट बढ़ाते रहे, तो तब उनकी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बार बार मैं कह रही हूँ, करंट, ठीक है, कंडक्टिविटी, तो वो बढ़ती चली जाती है, वो थोड़ा थोड़ा उनमें से करंट पास होने लग जाता है, कंडक्टिविटी होने लग जाती है, ठीक है। तो इस टॉपिक जो है हमारा सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहो तो ये मैंने जो नोट्स बनाए हैं तो आप बस इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह उल अजीज आपका एक टॉपिक सेमीकंडक्टर्स का बहुत शॉर्ट वे में बनाए हैं, तो इसको तैयार कर लें, ठीक है। अब दो चीजें हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये प्योर कहते हैं इसको, और दूसरे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि इम्प्योर होते हैं। दोनों का डिफरेंस अगर आप करो, इंट्रिंसिक कौन से हैं, एक्सट्रिंसिक कौन से हैं, प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स की तो अंडरस्टैंड कर गए होंगे, जिसमें से थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है, ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पास होते हैं और हम कहते हैं बिजली करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से, वेरी इजी, अ सेमीकंडक्टर जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं, मैंने आपको कहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर होते हैं,
जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, और आप ये समझें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, वो जो होते हैं इंसुलेटर की तरह ही होते हैं। अगर जीरो टेम्परेचर रखो तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ तब उनका जो कंडक्शन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल। ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर्स। इसकी एग्जांपल अब मैं बताती हूँ आपको। इसकी एग्जांपल है, मैंने अभी आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल का फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है, तीसरा है, तो तीसरे के एलिमेंट के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तीन। चौथे के आखिरी शेल में कितने होंगे? चार। पांचवें के आखिरी शेल में कितने होंगे? पांच इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो दरमियान वाला चौथा है इसमें एक है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, लेड। लेकिन यहां पे हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? जर्मीनियम और सिलिकॉन ऐसे हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स की तरह यूज होते हैं, और उन्हें कौन सा ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं? फोर। और वो बेस्ट एग्जाम्पल है इंट्रिंसिक की या प्योर सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स हैं। अच्छा आपको बताती हूँ, ये देखिए ये सिलिकॉन है, आखिरी शेल शो कर रहा है, पहला सिलिकॉन है, आखिरी शेल शो कर रहा है। ठीक है, इसमें मैंने पांच सिलिकॉन एलिमेंट्स दिखाए हैं और उनके जो डॉटेड लाइन से दिखाए हैं उसमें वो चार इलेक्ट्रॉन्स है, वो चौथा ग्रुप है, तो उसके अराउंड जो है फोर, हर सिलिकॉन के अराउंड आप ये देख ले चार इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? चार, चार होने चाहिए, चार उनके साथ है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए ये तो आप कहेंगे। और फिर जब ये पांच एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के करीब होते हैं, जैसे ये रिंग सा बना हुआ है, तो हर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। जहां कोवेलेंट बॉन्ड का एरो का साइन दिया हुआ है ना, एक तो सिलिकॉन ऊपर वाले का, दूसरा नीचे वाले सिलिकॉन का, जब दो आपस में मिलते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं, तो एक केमिकल बॉन्ड बना देते हैं। तो चार के चार, बाकी जो सेंटर में एक सिलिकॉन है ना उसके चार है, एक इस वाले के साथ बॉन्ड बना लेता है, एक इस वाले के साथ बॉन्ड बना लेता है, एक ऊपर वाले के साथ, एक नीचे वाले, यानी कि चार के चार अपने बॉन्ड बना लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है। तो अब ये तो इसको प्योर क्यों कहते हैं? इसलिए अब तो कोई करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यहां तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो करंट होगा ना, कंडक्टिविटी होगी, हम इसको सेमीकंडक्टर क्यों कह रहे हैं? लेकिन इसको हम प्योर क्यों कहते हैं? इसलिए कि सेंटर वाले सिलिकॉन में चार इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने लेफ्ट साइड वाले पैसे के साथ, एक ने लेफ्ट साइड ये राइट साइड वाले के साथ, एक ऊपर और एक पांचवें के साथ, चार के चार इंगेज हो गए और उन्होंने बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब इसे हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि अगर आप जीरो पे रखो तो ये तो किसी किस्म के कंडक्शन नहीं शो करते। कंडक्शन क्यों नहीं शो करते? क्योंकि भाई इसमें तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन होता है तो करंट पास होता है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, थोड़ा सा टेम्परेचर रेस करते हैं जीरो से, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते, तो फिर ये क्या करते हैं, ये लूज हो जाते हैं, तो अपनी जगह छोड़ के इधर उधर जाते हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड के साथ बंधा हुआ है ना, आपको नजर आ रहा है, ये अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाते हैं, तीसरी जगह, तीसरे वाला चौथी की जगह, पांच, यानी एक दूसरे की जगह को रिप्लेस करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं? फ्लो। और इस फ्लो से हम इनको कहने लग जाते हैं सेमीकंडक्टर। लेकिन ये है बहुत कम कंडक्शन शो करने वाले, जो प्योर वाले, इंट्रिंसिक वाले। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो थोड़ी बहुत इनके जो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की जगह ले लेता है, दूसरा तीसरे की जगह लेता है, चौथा, इस तरह एक दूसरे की, तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ फ्लो करने लग जाते हैं। ठीक है, फ्लो करने से हम कहते हैं जी करंट पास हो रहा है, और हम इसे कहते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि इनके बॉन्ड तो सारे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर प्योर। ये सिलिकॉन का हो सकता है, जर्मीनियम हो सकता है, आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक बताती हूँ। अच्छा, आपने देखा इंट्रिंसिक में, अगर उस सिलिकॉन वाले में जो प्योर है कोई इंप्योरिटी ऐड कर दो तो वो कौन से सेमीकंडक्टर बन जाएंगे? एक्सट्रिंसिक। प्योर इंप्योरिटी से मुराद है कोई और एलिमेंट ऐड कर दो तो वो प्योर नहीं रहेंगे। उसको मैं बार बार क्यों प्योर कह रही हूं, उसमें कोई चीज ऐड नहीं हुई है, कोई दूसरा एलिमेंट ऐड नहीं हुआ, इसलिए वो प्योर है। और अगर उसके अंदर सिलिकॉन वाले में कोई और ऐड कर लेते हैं हम, कोई और एलिमेंट, वो बताती हूँ कौन सा एलिमेंट, तो फिर हम उसको क्या कहने लग देते हैं? प्योर नहीं बल्कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसका नाम क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की दो कैटेगरी हैं, बहुत अच्छी से समझने की कोशिश करें। ठीक है, उसको मैंने कैसे बताया, वो सिलिकॉन है, चार इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, वो चारों अपने आगे पीछे वालों के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ नहीं, इसको प्योर कहते हैं, और ना ही आपने बाहर से कोई एलिमेंट और ऐड किया है इसलिए वो प्योर। लेकिन एक्सट्रिंसिक में आप बाहर से कोई और एलिमेंट ऐड करोगे इसलिए उसको हम इम्प्योर कहते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ये दो टाइप के हैं, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए एन टाइप टाइप सेमीकंडक्टर्स, हमारी वो जो शीट है ना सिलिकॉन की, यहां तो सिर्फ पांच मैंने दिखाए थे ना उस डायग्राम में, इसमें क्या है, ये एक शीट सी बना लेते, एक लेटिस बना लेते, एक जाल सा बना लेते। ठीक है, सिलिकॉन आपस में अटैच हो गए। अब अगर, अब मैंने आपको तीन ग्रुप के एलिमेंट, तीसरा ग्रुप हमने चौथा ग्रुप यूज किया है इंट्रिंसिक में। अब अगर चौथे के बाद आता है पांचवा ग्रुप, जिसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांच, उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी, इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने बताए, ये कौन से ग्रुप से हैं, पांचवे ग्रुप से हैं, और इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पांच होंगे। अब अगर मैं उस सिलिकॉन में एंटीमनी या आर्सेनिक का एलिमेंट डाल दूंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब हम डाल देंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जी ये हो गई इम्प्योरिटी एड, इम्प्योरिटी एडिड हो गई। जब इम्प्योरिटी एडिड हो गई तो अब हम उसे कहते हैं ये बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और एन टाइप क्यों कहते हैं इसको, नेगेटिव, एन से मुराद नेगेटिव टाइप, क्यों इसे नेगेटिव टाइप कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। डायग्राम देखिए, अब आपके पास पहले वही वाली शीट है, कौन से वाली, इंट्रिंसिक वाली, सिलिकॉन वाली शीट है, आपने देखा था सेंटर में भी सिलिकॉन थे, चारों तरफ भी सिलिकॉन थे, इसलिए वो प्योर था। लेकिन अगर आप कोई पांचवें ग्रुप का एलिमेंट, जैसे पी शो किया हुआ है, पांचवा ग्रुप एलिमेंट क्यों कह रही हूं, उसके आखिरी शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, अब आप दरमियान में से एक सिलिकॉन हटा के आप ऐड कर दें पांचवें ग्रुप का एलिमेंट, आर्सेनिक ऐड कर लें, एंटीमनी ऐड कर लें, फास्फोरस ऐड कर लें, कोई भी कर लें, अब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच, चार तो हो गए एंगेज। कैसे एंगेज हुए, एक ने इधर वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक ने इधर वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक ने ऊपर वाले के साथ बना लिया, चार तो हो गए उस तरह एंगेज, एक क्या बच गया, फ्री, पांच थे ना, मैंने कौन से वाला एलिमेंट चूज किया जिसके आखिरी शेल में पांच है, पांचवे ग्रुप का एलिमेंट, हमारे पास सिलिकॉन कौन सा है, चौथे ग्रुप का, चार इलेक्ट्रॉन है और वो क्या है, पांचवे ग्रुप का एलिमेंट है। अब चार तो उनके साथ इर्द गिर्द वालों के साथ, ऊपर नीचे वालों के साथ वो बना लेता है, एक रह जाता है पांच, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक पूरी शीट है सिलिकॉन की, मैंने तो एक फास्फोरस दिखाया है, कहीं कहीं से सिलिकॉन उठा के फास्फोरस लगाते जाओ तो एक एक इलेक्ट्रॉन बचता जाएगा, और ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करता रहेगा उस पूरी शीट में, और जब ये फ्लो करेगा हम कहेंगे जी कंडक्शन हो रही है, करंट पास हो रहा है, कंडक्टिविटी हो रहा है, इसलिए हम इसे कौन सा कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और एन टाइप, एन से मुराद क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया है, अगर हर एक पूरा ये जाल है हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन बचता जाए और घूमता रहे पूरे में तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, अंडरस्टैंड। ये तो हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसे कहते हैं, पी से मुराद पॉजिटिव, उसे वो पॉजिटिव कैसे है, मैं आपको तीन ग्रुप बनाया है, सेंटर वाला ग्रुप चार ग्रुप एलिमेंट्स जिसके आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, उससे अगले वाला है फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट जो आपने अभी ऐड किया है पांचवें, और उससे पहले वाला कौन सा होगा, थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स जिसमें एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम है, जिसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन। अब मैं किसकी डोपिंग कर रही हूं, डोपिंग से मेरी मुराद एडिंग, कौन सी इंप्योरिटी यूज कर रही हूं, मैं अगले वाले की यूज करने की बजाय मैं पिछले वाले की कर रही हूं, यानी तीन शेल इलेक्ट्रॉन करने वाला एलिमेंट जो है उसमें ऐड करती हूँ। ठीक है, और इससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा हम उसे कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, इसका ये देखें, वही शीट मैंने दोबारा ले ली, किसके वाली, इंट्रेंसिक वाली सिलिकॉन की शीट ली, सेंटर से एक सिलिकॉन उठाया और तीन ग्रुप एलिमेंट वाला इंडियम डाल दिया, क्या कौन सा डाला है, इंडियम, इंडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन। अब सिलिकॉन को कितने चाहिए थे, चार,
कितने चाहिए थे? चार। तीन के साथ तो उसने बॉन्ड बना लिया, एक जगह खाली रह गई जिसको उसने क्या नाम दिया? होल। अब वो एक जगह खाली रह गई तो इर्द गिर्द के इलेक्ट्रॉन भाग भाग के उस होल में आने लग गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग गए और करंट पास होने लग गया। समझ आई बात की? बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, के इसका जो है